हेलो दोस्तों, कैलीग्राफी क्रिएटर्स में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वन महोत्सव पर 10 लाइन का निबंध। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली लाइन, वन महोत्सव का अर्थ है पेड़ों का त्यौहार। वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। दूसरी लाइन है, इस महोत्सव की शुरुआत 1950 में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री श्री कन्हैया लाल मुंशी ने की थी। तीसरी लाइन, वन पृथ्वी पर जीवन का आधार होते हैं तथा जीव जंतुओं का आश्रय स्थान होते हैं। चौथी लाइन, इस महोत्सव के दौरान लोगों को पेड़ों से होने वाले लाभ तथा इनके ना होने पर होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जाता है। पांचवी लाइन, हम सभी को वन महोत्सव को अपने जीवन का अहम हिस्सा समझकर इस महोत्सव में अपनी भागीदारी अधिक से अधिक दिखानी चाहिए। छठवीं लाइन, वन महोत्सव के दिन यह अपेक्षा की जाती है कि सभी लोग कम से कम एक पेड़ तो अवश्य ही लगाएं। सातवीं लाइन, इस महोत्सव के दौरान बहुत से संगठनों द्वारा मुफ्त में पेड़ पौधे वितरित किए जाते हैं। आठवीं लाइन, विद्यालयों में इस दौरान चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध, भाषण तथा कविता लेखन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।
नवी लाइन दुनिया भर में पेड़ों की अत्यधिक कटाई हो रही है, अतः इस महोत्सव के दौरान अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वनों को घना करने का प्रयास किया जाता है। दसवीं लाइन वन महोत्सव वातावरण को स्वच्छ व स्वस्थ रखने के लिए एक आंदोलन है, अतः हमें भी पेड़ पौधे लगाकर इसमें सहयोग करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।